हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप मान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी पैकेजिंग बुटीक में मैं किसी क्लाइंट का ऑर्डर नहीं शेयर कर रही, आपके साथ एक छोटा सा पैकिंग आइडिया शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी इजी है। आपके पास भी इस टाइप के बॉक्सेस होते हैं जिसमें बच्चों की ड्रेसेस होती हैं, जहाँ कोई और कपड़ा, कोई भी ड्रेस हो सकती है इस तरह के बॉक्सेस में। तो अगर आप पैकिंग बाहर से नहीं करवाना चाहते, घर में ही करना चाहते हो, रीज़नेबल करना चाहते हो, तो मैं आपके साथ आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास बच्चों की ड्रेस जिसको मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कैसे आप इनको घर में अच्छे से पैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी नेट चाहिए, कोई भी छोटा सा नेट का पीस टुकड़ा वगैरह चाहिए, और रिबन्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप मिक्स मैच भी कर सकते हो, और कोई भी फ्लावर। अगर आपको फ्लावर इस टाइप के नहीं मिलते तो आपके घर में जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर लगे होते हैं ना, तो आप एक आधा फ्लावर वहाँ से भी कट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपने नेट को सेपरेट कर लेना है और जो बॉक्स है ऊपर रख देना है, ठीक है, जस्ट ऐसे ही, और रबर के साथ या किसी डोरी के साथ आपने टाई कर लेना है, ठीक है। टाई करने के बाद हम इस टाइप की लूप्स बना लेंगे, जो इस तरह की लूप्स बनी हुई है। मैंने कैमरा एक हाथ में पकड़ा है और एक हाथ से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो भी बहुत ईजी है इस तरह की लूप्स बनाना। इस तरह की लूप्स बनाने के बाद आप इनको ग्लू गन के साथ और फैब्रिक्विक के साथ या स्टेपल भी कर सकते हो। तो हमारा ये बो बन गया है, ठीक है। ऐसी कितनी बो आप बना सकते हो, कम ज़्यादा, अगर आपको हैवी और कम डेकोरेशन चाहिए। तो इस तरह की लूप बनाने के बाद आपने जस्ट इनको पेस्ट कर देना है डबल टेप के साथ, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, अगर आपके पास ग्लू गन वगैरह नहीं तो आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का मैंने एक नेट के साथ एक फ्लावर बनाया हुआ है, आप मेरी पुरानी वीडियो में चेक कर सकते हो इसको कैसे बनाना है, और एक टैग दिया हुआ है, ठीक है। टैग के साथ क्या होता है, आपकी जो पैकिंग है ना बहुत प्रोफेशनल लगने लगती है, अच्छा सा उसमें एक चार्म ऐड हो जाता है। तो ये है इसका फाइनल लुक, बहुत इजी आइडिया है। तो आपके पास भी इस टाइप के बॉक्सेस है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग उनको सिंपल देने की बजाय, आप थोड़ा सा अगर उसमें नेट वगैरह के साथ, फ्लावर वगैरह के साथ देते हो तो वो सिंपल सा बॉक्स एक गिफ्ट बॉक्स बन जाएगा और थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लगेगा। ये बॉक्सेस काफ़ी पुराने, एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो आपके साथ शेयर किया है, आप भी अपने गिफ्ट को इतने सिंपल तरीके से अगर पा करके देते हो तो ट्रस्ट मी, आपका गिफ्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी प्रेजेंटेबल लगेगा।